तो अब रुक करते हैं दिल्ली का, आज से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, एमपी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम शामिल है, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम भी सूची में शामिल है, जितेंद्र सिंह, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम इसमें शामिल है। आपको बता दें भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, कांतिलाल भूरिया भी बनाए गए स्टार प्रचारक, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह राहुल, विवेक तन्खा के भी इसमें नाम शामिल हैं। आपको बता दें कल बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों के नाम की सूची जारी की थी और आज कांग्रेस ने भी एमपी के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर है, 40 लोगों के नाम भी हैं इसमें और जो कल बीजेपी ने जारी की थी सूची उसमें भी 40 लोगों के नाम थे। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि एमपी में अब कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, 40 लोगों के नाम है इसमें, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल के नाम भी इसमें शामिल है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, अशोक गहलोत का नाम इसमें शामिल है, कांतिलाल भूरिया का नाम इसमें शामिल है, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, विवेक तन्खा का नाम इसमें शामिल है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़े। जी दिनेश, जैसा कि ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, कल बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी और अब आज कांग्रेस ने वैसे ही 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, किन किन के नाम हैं और किस किस रणनीति, कैसे कैसे ये मैदान में उतरेंगे? देखिए, कल ही बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, वही आज कांग्रेस ने ये सूची जारी की है। प्रियंका गांधी का दमोह में दौरा है, बुंदेलखंड की 26 सीटों के साधने के लिए आज वो दमोह में सभा कर रही है और उसी समय ये स्टार प्रचारकों की सूची आई है, जिसमें जो एआईसीसी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके अलावा सोनिया, राहुल, प्रियंका, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो की प्रभारी भी है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, अभी उनको प्रभार दिया गया है चुनाव के लिए, उसके अलावा मुकुल वासनिक, जितेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष, कमलनाथ, गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जो है रहे हैं राजस्थान के सचिन पायलट, वो भी इस सूची में शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश के जो बड़े दिग्गज नेताओं की बात करें तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, अजय सिंह राहुल, विवेक तन्खा राज्यसभा से सांसद हैं, राजमणि पटेल राज्यसभा से सांसद हैं, इसके अलावा पूर्व मंत्री जीपी पटवारी इनको भी शामिल किया गया है, आर्य मसूद अल्पसंख्यकों के बड़े नेता माने जाते हैं, विधायक है भोपाल से आर्य मसूद, जिन्हें प्रत्याशी भी बनाया गया है भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से, उनका भी नाम शामिल है इसमें, संजय मसानी जो की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले भी होते हैं, उन्हें भी इसमें जगह दी गई है, उन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद हम बात करें बिट्टू राजा बुंदेला की जो की ललितपुर से आते हैं उत्तर प्रदेश के, और उनका नाम तुरई से चुनाव लड़ने का चल रहा था लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस ने उन्हें ना उतार कर दूसरे को प्रत्याशी बनाया है। तो बुद्धू राजा बुंदेला को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। 40 बड़े नेताओं की सूची है जिसमें मध्य प्रदेश के ज्यादातर नेता शामिल है, सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे उन्हें भी इस सूची में जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर ये रणनीति के तहत ये स्टार प्रचारकों की सूची दी गई है जिसमें स्थानीय नेताओं के अलावा केंद्र के नेताओं को भी शामिल किया गया है, सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है। जी दिनेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बता दें एमपी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है।